अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये व्लॉग है वीकेंड का एंड वीकेंड पे मेरे आज बहुत सारे काम थे, बहुत सारे प्लान्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड कॉम्प्लीमेंट्स कि मेरा घर बड़ा टाइडी रहता है, बहुत प्यारा रहता है, क्या करती हूँ मैं, और मुझे इस तरह के आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूंगी और इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। तो घर को नीट रखना एक अलग बात होता है, घर को टाइडी रखना एक अलग बात होता है। नीट रखना मतलब आप सफाई कर रहे हैं, सही है, साफ है, हर चीज़ पे डस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। बट टाइडी तब होता है जब आपके घर में ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें नहीं पड़ी हुई होती। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो चीज़ें होनी चाहिए जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाज़ार जाते हैं, बहुत सारा ढेर सा सामान ले लेके आते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो सारी चीज़ें ना हमारे बिल्कुल काम की नहीं रहती और विद द पैसेज ऑफ टाइम ना हमें हमारा घर जंक लगता है, जंक यार्ड, मतलब हर फालतू सामान घर में पड़ा है। नई चीज़ आई है तो पुरानी को भी संभाल के रखना है, नई को भी संभाल के रखना है। वट इज़ द यूज़ कि अगर आपने नई चीज़ खरीदी है ना, तो पुरानी चीज़ को ना प्लीज अपने पास मत रखा करें, उनको किसी को दे दें, वो उसके इस्तेमाल में आ जाएंगी। क्योंकि मैंने नोट किया है कि अगर हम पुरानी चीजों को संभाल के रखते हैं ना, वो कभी भी हमारे इस्तेमाल में नहीं रहती। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अपने घर में अगर आपकी नई चीज पड़ी है और आपने उसको मतलब खरीद के लेकर आए हैं, तो पुरानी चीजों को ना डिस्कार्ड कर दिया करें। अगर आपके घर में पुरानी चीजों का ढेर लगा रहेगा ना, तो आपका घर कभी भी साफ सुथरा और टाइडी नहीं लगेगा। साफ तो चले आप कोशिश जितनी कर लेंगी, बट वो टाइडी नहीं लगेगा। तो जैसे अब मैं आपको मिसाल देती हूँ, मेरे पास ये ग्लव्स पड़े हुए थे, ये ग्लव्स मैंने मिनीसो से लिए थे आज से 5-6 साल पहले। मैंने इनका बहुत इस्तेमाल किया है, आप लोगों को पता है मैं इसमें जो है ना बेकिंग करती रही हूँ। और फिर इसके अलावा ये वाले ग्लव्स भी थे, ये भी शायद मैंने कहीं जगह से लिए थे, मुझे याद नहीं है, और ये सेट था, ठीक है। द थिंग इज़ कि ये जल गए थे और एक पे कट आ गया था, एक में सुराख हो गया था, एंड देन आई थॉट कि मैं अपने लिए नए ले लूँ। अब मैं नए ख़रीद के इनको भी पास रख लूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरा घर साफ लगेगा, इसलिए बेहतर यही है कि इनको करूँ मैं डिस्कार्ड और ये मैं लेकर आई हूँ संडे बाज़ार से। बिलीव मी इट्स वेरी रीज़नेबल, आई थिंक 350 रुपये का मुझे ये पैकेट मीन्स दो मिल गए थे, और अगर 2-3 महीने 4 महीने भी चल जाते ना मेरे, तो मेरे लिए इनफ है, 350 रुपये के इतने एक्सपेंसिव है ही नहीं। तो इनको मैं आराम से अपने घर में यूज़ कर लूँगी, और जो मेरे पुराने वाले जो है ना पॉट होल्डर्स हैं या आपको हीट से बचाते हैं, वो किसी और के काम आ जाएंगे, तो वो मैंने निकाल के साइड पे कर दिए हैं। और ये वाले जो पॉट होल्डर्स हैं ना, इनको मैं अपने घर में जो है ना रख लूँगी, ताकि जब भी मुझे कोई चीज़ मतलब इस्तेमाल करने की नीड है, जब भी मैं बेकिंग कर रही हूँ, तो फिर मैं इनको यूज़ कर लूँगी। तो इनको मैंने कर दिया हैंग और उनको कर दिया है मैंने साइड पर, ताकि मैं उनको अपनी हेल्पर को जो है ना वो दे सकूँ और मेरी हेल्पर इसको आराम से जो है ना वो यूज़ कर लेगी। हाँ जी, तो ये है मेरा जो है ना स्ट्रेनर। इसमें मैं मोस्टली चावल और चने या इस तरह की दालें वगैरह जब भी मैंने भिगो के स्ट्रेन करनी होती है, मैं इसे यूज़ करती हूँ। आप लोगों ने कई दफ़ा देखा, लेकिन ये मेरा टूट गया था, ये 15 साल पुराना है और मैंने 400 रुपये का लिया था क्वेटा से, खटक की दुकान से, जो क्वेटा के रहने वाले उनको पता है खटक कौन सी दुकान है। तो ये मैंने लिया था बहुत पहले और ये बहुत अरसा मैंने चलाया है, आप इसकी कंडीशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ये अभी भी इस्तेमाल हो सकता है। मैं इसके लिए ढूंढ रही थी कोई नई चीज़, और उसके लिए जो है आपको याद होगा मैंने आप लोगों के साथ शॉपिंग हॉल शेयर किया था सोक एंड स्ट्रेन, ये मैं लेकर आई थी 2295 रुपीज़ का। इसकी ख़ास बात यह है कि एक तो ये साइज़ में बहुत बड़ा है, तकरीबन जो मेरा पुराना वाला था उसमें 1 किलो से ज़्यादा चीज़ नहीं आ सकती थी। अगर चावल भी मुझे 2-3 कप करने होते थे ना, 4 कप, तो वो उसमें जो है ना 4 कप चावल जो है वो भिगोए नहीं जा सकते थे। इसमें डिफरेंट साइज़ थे, मैंने ये साइज़ इसलिए ख़रीदा क्योंकि ये इसमें 2.5-3 किलो के बराबर जो है वो चीज़ बड़े आराम से आ सकती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इसके आगे ये जाली लगी हुई है, और जब आपको इसमें कोई चीज़ आप लें और इसके अंदर सोक कर दें
अगर वो डबल भी हो जाती है साइज़ में, जैसे सारी रात अगर मैंने चने रखने हैं, मिसाल दे रही हूँ आपको, तो मैं इस चनों को इसमें डाल दूंगी, तो ये अगर डबल भी हो जाते हैं ना तो ये फूल के बाहर नहीं निकलेंगे और उसको मैं पानी से भर के रख सकती हूँ। इसके आगे लगी हुई है जाली, आप बस इसको धो लें और फिर उसके बाद ये देखें इसमें से पानी बड़े आराम से निकल जाएगा, आपके चने या चावल जो भी चीज़ है ना वो उसके अंदर ही रहेगी। तो ये मैंने लिया था और उसको मैंने पुराने वाले को कर दिया डिस्कार्ड। हाँ जी, तो अब आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में। मेरा जो ये ड्रॉर है ना मेरे ड्रेसिंग का, मुझे इतने दिनों से पिंच कर रहा था कि इसके अंदर मुझे लग रहा था मुझे चीज़ें नहीं मिल रही, और मुझे ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा खल रही होती है कि ये चीज़ जो है ना इसमें बहुत सा जंक पड़ा हुआ है। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, बट आज का दिन मैंने डेडिकेट किया था कि मैं अपने घर से सारा सारा का सारा वो जंक जो कि मैं यूज़ नहीं कर रही मैं उसको निकालूंगी। सो इस ड्रॉर के अंदर मेरी ना मोस्टली नेल पॉलिशेस और वो आपको कॉटन बॉल्स भी नज़र आ रही होंगी, वो सारा सामान जो है ना इसके अंदर पड़ा है। तो आज मैंने वो सारी चीज़ें जो कि मैं नहीं यूज़ करी, अभी आपने मुझे देखा पहले मैं बहुत नेल पॉलिशेस यूज़ करती थी, अब मैं नहीं यूज़ करी ये नेल पॉलिशेस, सारी वो नेल पॉलिशेस वो चीज़ें हैं जो कि अभी यूज़ हो सकती हैं। बट द थिंग इज़ कि मैं ये कलर्स नहीं यूज़ करी, सो इट्स बेटर कि मैं इनको अपनी ड्रॉर में संभाल के रखूँ, मैं किसी को दे दूँ। तो मेरी जो हेल्पर है वो छोटी, लाइक शी इज़ 19-20 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे था कि वो बच्ची है वो शौक से लगा लेगी, क्योंकि उससे पहले भी मैंने उसको बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हैं तो बड़ी शौक से खुश होकर ले लेती है। तो मुझे है कि वो यूज़ कर लेगी और मेरी दराज से ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी, क्योंकि मैं इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रही। सीरियसली अभी मुझे इस दराज को भी ठीक करना है, तो मुझे था पहले मैं इसमें से सारा वो सामान जो मैं नहीं इस्तेमाल कर रही वो मैं निकाल दूं, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं अपनी इन ड्रॉर्स को भी जो है वो प्रॉपर वे से जो है ना वो ऑर्गेनाइज करके, तो इंशाल्लाह ताला आई विल बी शोइंग यू। तो अगर घर को आपने ऑर्गेनाइज करना है ना, तो उससे पहले आपने वो जंक निकालना है जो आपके घर को जो है ना क्लटर्ड रखता है। हाँ जी, तो ये मेरा एक अदद चम्मच है। आप जब भी मैं इसे पकाती हूँ ना, मुझे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि सिलिकॉन का चम्मच आपने कहाँ से लिया। ये मैंने बोलान से लिया था क्वेटा से, बट इसमें ना कुछ प्रॉब्लम्स है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये कि इसका ये जो नीचे का हैंडल है ये निकल जाता है, मैंने इसमें एल्फी भी लगाई थी फिर भी निकल जाता है। और इसके अलावा ये जो काली वाली जगह है ना, ये प्लास्टिक की मेड है, ये सिलिकॉन नहीं है। अगर मैं इसको रखती हूँ किसी चीज़ पे तो ये वो जगह जो है बर्न कर देता है या जला देता है, ख़राब हो जाता है। तो इसकी जगह मैं ये लेकर आई थी चम्मच, ये मैंने अलफतेह से लिया है, और जो मेरा स्ट्रेनर है वो भी मैंने अलफतेह से लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं वो वीडियो नीचे डाल दूंगी। ये अराउंड 995 रुपीस का था, ये पूरा ही सिलिकॉन का बना हुआ है और इसमें मेटल की जो है ना वो एंड्स में कोटिंग सी हुई भी है। इसकी लुक भी बहुत प्यारी है, जब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लगता भी प्यारा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं इसको अपने जो है वो किसी भी पॉट में कुकिंग कर रही हूँ मैं रखूँ तो ये ना जलेगा नहीं, ये इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये मैं लेकर आई थी, मुझे था कि चलो जब मेरा पुराना वाला जो चम्मच है जो कि मैं अभी इस्तेमाल नहीं कर रही, बेहतर है कि वो मैं किसी को दे दूं, मेरी हेल्पर कोई, क्योंकि जो आपके घर में काम कर रहा होता है ना उसको देना चाहिए। और आप देखें इसके अंदर एक फीचर ये है कि इसके अंदर एक उभार सा बना हुआ है कि जब आप इसको पतीली के अंदर रखते हैं ना तो ये स्लिप नहीं होगा। तो ये चम्मच मैं यूज़ करूँगी और जो दूसरा है वो उसे मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। हमारे ड्रेसिंग टेबल्स में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जो कि ख़त्म हो चुकी होती हैं, बस बोतलें पड़ी हुई होती हैं। ये मैंने बॉडी शॉप से लिया था स्क्रब, और मैंने शायद हार्डली 3-4 दफ़ा यूज़ किया होगा और फिर मैंने कभी इसको यूज़ ही नहीं किया। सो ये भी मुझे एक्सपायर्ड था, आई वॉज़ लाइक पता नहीं मैंने क्यों इसको संभाल के रखा हुआ था। इसके अलावा ये वाला जो है ये मिंट स्प्रे था फॉर समर्स, और ये भी पूरा मैंने यूज़ कर लिया है, थोड़ा सा रहता है, आई वॉज़ लाइक ये अब ये काफ़ी अर्से मेरे पास है, आई बेटर डिस्कार्ट इट। हाँ, इसको धो के मैं इसके अंदर अर के गुलाब डाल दूंगी, जो कि रात मतलब मिस्ट के तौर पे जैसे समर्स में आप यूज़ कर सकते हैं। तो अर्के गुलाब मैं खाली कर दूंगी और जो बोतलें मुझे सही नहीं लग रही थी उनको मैंने फेंक दिया। इसके अलावा मेरे पास आप लोग देख सकते हैं मैं ऑन एंड ऑफ बहुत सी बेड शीट्स एंड बेड स्प्रेड्स हमेशा लेती हूँ, आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। तो घर में इतनी जगह है मेरे कि मैं नई चीज़ें रखूं तो पुरानी को बेहतर है कि मैं किसी को दे दूं। ये तो ये बेडशीट्स जो हैं ये मेरी यू कैन से के पुरानी है,
कुछ 4 साल पुरानी, कुछ 5 साल पुरानी, कुछ 6 साल पुरानी, और मैंने रखी क्यों थी कि पैकिंग के काम आएंगी, कोई पैकिंग के मेरे काम नहीं आ रही, इससे बेहतर है कि कोई इसको इस्तेमाल कर ले, ना तो इस पर कोई दाग है, ना ये फटी हुई हैं, कुछ भी नहीं है, इनके तकिए भी बिल्कुल ठीक है, और मेरी अलमारी में इन्होंने इतनी एक्स्ट्रा जगह घेरी हुई थी, सो इनको भी मैंने निकाला, एंड आई वॉज लाइक ये बेहतर है कि ये कोई अपने घर में इस्तेमाल कर ले, ऑफकोर्स मेरी हेल्पर, तो मैंने ये उनके लिए निकाल के रख दी, और अपने लिए जो है वो मैंने, क्योंकि नई बहुत सारी बेडशीट्स ली हुई हैं, तो मैं उन्हें इस्तेमाल कर लूँगी। मेरे पास ऑयल के बहुत से डिस्पेंसर्स हैं, ये जग है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये जग भी मैंने पता नहीं कहाँ से लिया था, मुझे याद नहीं है। इसके अलावा ये ऑयल वाला ही मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था। इसके अलावा छोटा सा ये जो जग आपको जिसमें देसी घी नज़र आ रहा है, ये वाला जग जो है वो मैंने आई थिंक ईजी बाय से लिया हुआ था, और ये जो बड़ा सा आपको नज़र आ रहा है ये मैंने पंजाब कैश एंड कैरी से लास्ट ईयर रमज़ान में लिया था। एंड बिलीव मी, इसके अंदर मैंने सरसों का तेल डाला था। एक तो इसकी ऊपर से नोज़ल निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, और दूसरा ये है कि इसको, इसके अंदर ऑयल डालना बहुत मुश्किल काम है, मतलब जब नोज़ल ही नहीं निकलती ना तो ऑयल भी इसके अंदर मुश्किल से डलता है। तो मुझे था कि ये वाला बेहतर है कि मैं अपनी हेल्पर को दे दूँ, वो सरसों का तेल भी यूज़ कर लेंगी। मैंने यूज़ किया सरसों का तेल, बट मुझे ना इतना ख़ास नहीं लगा सरसों का तेल। तो अब ये है कि मुझे है कि ये वाला जो डिस्पेंसर है ये मैं दे देती हूँ अपनी हेल्पर को, और मेरे पास जितने डिस्पेंसर अभी पड़े हुए दे आर मोर देन इनफ फॉर मी। एक दो में ऑयल है, एक में देसी घी है, एंड दैट्स इट। तो मुझे है कि ये मैं ये वाला भी जो ऑयल का डिस्पेंसर है इसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। हाँ जी, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मुझे जनवरी में डिस्कार्ड करनी थी या डिक्लटर करनी थी अपने घर से। इंशाल्लाह ताला इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आई विल शेयर विद यू ऑल, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आप भी अपने घर से जब एक्स्ट्रा जंक, एक्स्ट्रा सामान, वो चीज़ें जो हमने दो दो चार चार छः छः संभाल के रखी होती हैं और हम यूज़ नहीं कर रहे होते, उनको आप लोग भी आज मुझे आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ आज आप लोगों ने भी काफ़ी चीज़ें निकाल के किसी को दे दी जिसने वो यूज़ कर ली, और आप लोगों ने अपने घर को थोड़ा सा लाइट कर लिया। बिलीव मी, जब आप किसी को कुछ देते हैं ना तो आपका घर बड़ा आपको लाइट सा फील होता है, आपको बड़ा मज़ा आता है कि हाँ जी मैंने अपने घर का ना काफ़ी सारा जंक निकाल के दे दिया। तो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।